हेलो फ्रेंड्स, आपसे इस लेक्चर टॉपिक में स्वागत है। हमने पिछली लेक्चर्स में बात किया था एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें हमने इसके एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता क्या है इसके बारे में देखा था। साथ ही साथ जो एसेसरी रेस्पिरेटरी के कुछ जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहते हैं उसके बारे में देख लिया था। तो हमने स्किन, बकोफेरेंजियल, गिल, लेबरेंथीफॉर्म, एब्जॉर्बेंट, गट एपिथेलियम और पेल्विक फिन, इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में देख लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम के बारे में, अपरकुलर चैम्बर के बारे में और गैस ब्लेडर के बारे में, किस प्रकार की प्रोसेस ये करते हैं, साथ ही साथ इसकी ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो आइए सर देखते हैं हम लोग फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम। जो फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम होता है एक प्रकार से फेरिंग से रीजन से रिलेटेड होता है, जो कि एक शरीर ब्रीथर के रूप में कार्य करता है। तो यदि बात की जाए जो फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम की, तो एक प्रकार के यह आउटग्रोथ के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि फेरिंग्स के आउटग्रोथ के फॉर्म में सेक लाइक पेयर में पाया जाता है। और यह हाईली थिक होता है, वास्कुलर होता है, एपिथेलियम लाइक होता है। साथ ही साथ यह गिल्स के ऊपर फैला रहता है। यदि हम चन्ना की बात की जाए, तो जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में यह सिंपली रूप से कार्य करता है, साथ ही साथ यह एयर चैम्बर के पेयर्स में पाए जाते हैं। और इसकी यदि डेवलपमेंट की बात की जाए, तो यह फेरिंग्स से डेवलपमेंट होता है, लेकिन ब्रेंकियल चैम्बर्स में यह दिखाई नहीं देता। यहाँ पर जो ब्रेंकियल चैम्बर्स होते हैं वह किसी में दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार इसका जो डेवलपमेंट होता है मेनली फेरिंग्स से दिखाई देते हैं। और यदि इसकी बात की जाए, तो जो डाइवर्टिकुलम या फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम होता है यह वास्कुलराइज्ड होती है, साथ ही साथ यह हाईली थिक होती है, जो कि एयर चैम्बर के लाइंड के फॉर्म में यह लगे रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो एयर चैम्बर रहती है वह सिंपल सेक लाइक होती है, जो कि किसी भी स्ट्रक्चर्स में नहीं पाया जाता है ना, किसी स्ट्रक्चर्स में यह नहीं पाया जाता। और यह देखते हैं कि एयर चैम्बर जो होता है यह एक रिजर्वायर के रूप में कार्य करता है, अर्थात लंग्स के समान रिजर्वायर के रूप में कार्य करता है, जो कि ऑक्सीजन को रिजर्व करने का कार्य करता है। यदि हम चन्ना स्ट्रियस की बात करें, तो जो यह फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम होता है यह एक प्रकार का एपिथेलियम लाइनिंग चैम्बर होता है, जो कि एक प्रकार से एल्वेलाई के फॉर्म में फोल्ड होता है। साथ ही साथ इसमें जो गिल फिलामेंट होती हैं वह रिड्यूस साइज में होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। इस प्रकार जो फेरेंजियल डाइवर्टिकुलम होता है एक प्रकार का फेरिंग्स का ओरिजिनेट फॉर्म होता है, और यह ब्रीथिंग में हेल्प करता है या एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हेल्प करता है। देन हम लोग देखते हैं अपरकुलर चैम्बर, जो एक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में मॉडिफाइड हुआ रहता है। तो जो अपरकुलर चैम्बर रहता है यह एरियल रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड हो रहता है, जो कि फिश में एयर की डिमांड को बढ़ाता है या कम करता है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो फिश आते हैं या इस फिश के जो स्पीसीज आते हैं वह अपरकुलर चैम्बर के द्वारा या उसमें पाए जाने वाले जो गिल स्लिट रहते हैं उसके द्वारा एयर को इनहेल करते हैं या एयर को इनटेक करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एयर को स्टोर किया जाता है, और जब ये एयर स्टोर किए जाते हैं तो कुछ समय तक यह स्टोर फॉर्म में रखे जाते हैं, रिजर्वायर फॉर्म में रखे जाते हैं, देन उसका यूज किया जाता है। तो जो अपरकुलर चैम्बर रहते हैं यह बल्ज फॉर्म में पाए जाते हैं, जिस प्रकार हम देखें कि एक बलून होता है, जब बलून को हम बलून में जब एयर को फुल करते हैं तो क्या होता है, बल्ज हो जाता है, मतलब फूल जाता है। अगर फूलने के पश्चात उसमें एयर क्या होता है, एक रिजर्वायर के रूप में एयर जो है स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो कोलैप्स होता है ना, जब जो वो रहता है कुछ समय बाद उसमें कोलैप्स या कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो क्या होता है, जो बलून से जो एयर भरा रहता है वो बाहर निकलता है। अर्थात ठीक उसी प्रकार इसमें जो
एयर है उसके बॉडीज में, फिश के बॉडी में जो गिल चैम्बर में जो, या अपरकुलर चैम्बर से जो गिल चैम्बर में एयर्स भरा हुआ है, वो जब कोलैप्स कंडीशन में आते हैं तो वह एक्सटर्नल ब्रैंकियल ओपनिंग के थ्रू एयर को बाहर किया जाता है। और इस प्रकार जो अपरकुलर चैम्बर रहता है बहुत ही पतला होता है, मेम्ब्रेन लाइक होता है और हाईली वास्कुलराइज्ड होता है, जो कि गैस एक्सचेंज को अलाउ करता है। और यह जो देखने को मिलता है वह बेलियो थैलेमस और पेरियोपथैलेमस के स्पीसीज में देखने को मिलता है। इस प्रकार जो अपरकुलम चैम्बर जो होता है एक प्रकार का एक्सेसरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य कर रहा है। और इसका जो फॉर्म होता है वह एरियल एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में फॉर्म होता है। और यह एक प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड गिल चैम्बर का जो आउटग्रोथ होता है, इसी को यहाँ पर अपरकुलर चैम्बर कहा गया है, जो कि ब्रीथिंग के समय एक एयर ब्रीथर का ऑर्गन का कार्य करते हैं। और यह डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप से पाए जाते हैं। और यह मेनली एनाबस, क्लेरियस, ट्रिकोगेस्टर और स्पीसीज में पाए जाते हैं। और यदि इनकी मॉडिफिकेशन फॉर्म को देखा जाए तो यह डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मॉडिफाइड हुए हैं। तो यदि हम लोग हेट्रोन्यूमिस्टिक फॉसिल्स के बारे में देखें, जिसमें सेकोब्रेंकस आता है, तो उसमें देखें कि जो फेरेंजियल जो, या जो क्या बोलते हैं, अपरकुलर चैम्बर रहता है वह किस प्रकार से मॉडिफाइड हुआ है एक एरियल रेस्पायरेशन के लिए। तो जो इंडियन कैटफिश होता है उसमें लॉन्ग ट्यूबुलर डॉर्सली एयर सैक पाए जाते हैं, जो कि गिल चैम्बर के पोस्टेरियरली राइज हुए हैं। साथ ही साथ यह टेल तक फैले होते हैं, हेड से टेल तक, और यह हाईली वास्कुलराइज होते हैं। और यह क्या होता है, फेरिंग्स के थ्रू जो एयर रहते हैं उसको आउटपुट करते हैं या तो एक्सपेल करते हैं, और माउथ के थ्रू इनहेल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के फिश में कुछ क्या ब्रीथिंग के लिए कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें डेवलप हुए रहते हैं, ये डेवलप होते हैं, जिसमें जो फैंस होता है अर्थात जो प्लेट होता है, जो गिल प्लेट होता है वह एक्सपेंडेड मतलब फैला रहता है। साथ ही साथ जो एयर सैक रहते हैं वो डेवलप होते हैं, साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होते हैं वो भी फंक्शन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इस प्रकार की जो फिश पाए जाते हैं, ऊपर बताया गया है फिश के बारे में, जो ऊपर फिश है वह फॉसिल्स फिश है, जो कि हेट्रोप न्यूमेस्टस का फिश है। तो उसकी अगर हम गिल चैम्बर्स की बात की जाए तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें फोर पेयर ऑफ गिल चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, जो कि एफरेंट और इफरेंट की फॉर्म में हैं। तो यदि हम देखें तो जो एफरेंट फिलामेंट है या एफरेंट जो गिल आर्च है वो सीधे लंग से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ वो जा करके जो इफरेंट फॉर्म है वह गैस ब्लेडर या एयर ब्लेडर से यहाँ पे जुड़ा है, और ये लंग्स है या हार्ट है। तो जो यदि हार्ट से जुड़ा हुआ है जो कि वेंट्रल एओर्टा है, और साथ ही साथ सुप्रा ब्रेंकियल चेम्बर है और जो सर्कुलर सिफेलियस है। तो सुप्रा ब्रेंकियल चेम्बर कहाँ पे खुल रहा है, डोर्सल एओर्टा में खुल रहा है, और इधर वेंट्रल एओर्टा जो पाए जा रहे हैं जो हार्ट से अटैचमेंट है। तो जो एफरेंट जो आर्टरीज है या जो एफरेंट फिलामेंट है वो सीधे निकल करके डॉर्सल एओर्टा से जुड़ रहे हैं, साथ ही जहाँ जो इफरेंट हैं वो सीधे निकल करके उसी फॉर्म में यह जो एफरेंट से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो गिल आर्च होते हैं, जो पहला पेयर जो एफरेंट जो रहता है, पहला पेयर गिल आर्च जो रहता है वह पहले पेयर इफरेंट से जुड़ा हुआ है गिल आर्च से, साथ ही साथ जो सेकेंड पेयर है वह सेकेंड पेयर से जुड़ा हुआ है, थर्ड पेयर है वो थर्ड से जुड़ा हुआ है, और जो फोर्थ पेयर एफरेंट गिल आर्च है वो इफरेंट गिल आर्च के फोर्थ पेयर से जुड़ा हुआ है। तो इसी को यहाँ पर डायग्राम से बताया गया है कि जो गैस ब्लेडर होते हैं उससे किस प्रकार से ये जो एफरेंट जो फिलामेंट है वह गैस को रिसीव कर रहे हैं तथा हार्ट में किस प्रकार से भेज रहे हैं, और हार्ट से किस प्रकार से इफरेंट के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह बॉडी को या डोर्सल पार्ट में वह और वेंट्रल पार्ट में उसको मतलब सेंडिंग किया जा रहा है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हम देखते हैं कि जो
हेटरो न्यूटेरस फॉसिल्स है इस प्रकार की स्पीसीज में, इसमें फोर पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट हैं जो कि टीरियोस्ट में मेनली पाया जा रहा है उसकी कई स्पीसीज में। इसमें जो गिल फिलामेंट जो रहते हैं बहुत रिड्यूस साइज में होते हैं, साथ ही साथ इसमें फोर पेयर ऑफ फेंस लाइक आर्चेस डेवलप होते हैं। यहाँ पे कुछ फेंस नुमा संरचना दिख रही है, इसी को बोल रहा है आर्चेस के फॉर्म में, ये जो आर्चेस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और ये इस फिलामेंट जो गिल फिलामेंट होते हैं इसके जो अंदर साइड की ओर देखा जाए तो यह लेटरली फॉर्म में जो फर्स्ट है वो फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो फेंस नुमा जो संरचना है वो एक दूसरे से अटैचमेंट है। जो सेकेंड फैन है वो वेल डेवलप्ड है जो कि अम्ब्रेला लाइक है। जो फर्स्ट गिल आर्च है वह थर्ड फैन से जुड़ा हुआ है। जो पहला गिल आर्च हो रहा है, जो पहला गिल आर्च है जो इससे फैन नुमा जैसे थर्ड जो फैंस निकल रहा है इससे यह जुड़ा हुआ है। ये थर्ड से पहला गिल आर्च जुड़ा हुआ है, इसी को यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ जो सेकेंड फैन है वो वेल डेवलप्ड है, अम्ब्रेला लाइक है, जो कि थर्ड फैन के फॉर्म में आउटर की ओर जो गिल फिलामेंट है उसके थर्ड आर्च से जुड़ा हुआ है। यह यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, ये जो थर्ड जो गिल आर्च है जो कॉम्ब लाइक दिखाई दे रहा है वह फर्स्ट फैन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गिल्स फॉर्म होता है, जो गिल्स फिलामेंट फॉर्म हो रहे हैं वह जो फिलामेंट है उससे आर्चेस इस प्रकार से फ्यूज है ताकि उसमें जो गैस है उनका एक्सचेंज किसी भी तरह से हो सके। तो इस प्रकार इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है किसी भी फिश से, जो इसकी जो सेकोब्रेंकस जो फिशेस पाए जाते हैं उसमें। देन हम आगे देखते हैं, इसी का डायग्राम है जो उसका कुछ गिल्स और गिल्स चैम्बर से हमारे बताया गया है। एनाबस के बारे में, जो एनाबस टेस्टुडिनियस होता है एक प्रकार का क्लैम्पिंग पर्च होता है जो इस स्पीसीज में जो फिश आते हैं उसमें सुप्राब्रेंकियल कैविटी जो होता है वह टू गिल चैम्बर्स के आउट डॉर्सल आउटग्रोथ होते हैं। प्रत्येक जो कैविटी होती है इसमें वह लेबरिंथ ऑर्गन के कुछ फोल्ड के रूप में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो होता है यहाँ पर जो गिल रहते हैं, गिल चैम्बर जो रहते हैं वो किसी फिलामेंट या किसी एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहते हैं जिसको वास्कुलर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और यह मतलब फर्स्ट एपिब्रेंकियल बोन से डेवलप्ड हुए हैं जो कि एक बोनी प्लेट के रूप में फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसमें जो मार्जिन्स जो होता है इस प्लेट की वो हाईली कवर्ड रहती है वास्कुलर लाइक इपिथिलियम लाइक कवर से यह कवर रहता है। और जो प्रत्येक जो इस प्रकार की जो स्पीसीज में जो गिल चैम्बर्स पाई जाती है वह मतलब आउटग्रोथ के फॉर्म में कम्युनिकेट, फ्रीली कम्युनिकेट तो है लेकिन वह किसके साथ, बकोफेरेंजियल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन अपरकुलर कैविटी के साथ नहीं जुड़ा है, यह कम्युनिकेशन नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो इस प्रकार जो ब्रेंकियल आउटग्रोथ रहता है वह अपने आप में ही फ्री है और वह अपरकुलर कैविटी के साथ नहीं जुड़ा है लेकिन बेकोफ्रेंजियल कैविटी के साथ वह जुड़ा हुआ है। और इसमें जो एयर आता है उसको माउथ के थ्रू ड्रॉ किया जाता है और जो सुप्राब्रेंकियल कैविटी रहती है उसमें भेजा जाता है, देन उसको अपरकुलर ओपनिंग के थ्रू एक्सपेल किया जाता है। और इस प्रकार देखते हैं कि जो फिश होता है वह एटमॉस्फेयर के जो ऑक्सीजन रहते हैं उसको मतलब एक्सेप्ट करता है, देन उसके बाद उसको एक्सपेल करने का कार्य करता है। तीसरा आता है ट्राइकोगेस्टर फेसिएटस। जो ट्राइकोगेस्टर फेसिएटस रहता है उसमें कुछ इस प्रकार से इसके गिल्स आर्च और गिल्स लेमिली पाए जाते हैं। तो इसमें जो गिल्स आर्च जो हो रहा है, फर्स्ट पेयर ऑफ गिल्स आर्च और सेकेंड पेयर ऑफ गिल्स आर्च जो लेबरेंथी ऑर्गन के साथ अटैचमेंट हैं और एक रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन का कार्य कर रहे हैं जो कि कवर है उसके साथ, और एपिब्रेंकियल इसके अपर साइड में पाया जा रहा है। तो एक इस प्रकार से रिस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पर पाया जा रहा है, तो इसको देखते हैं। तो
इसमें जो शरीर स्पाइटी ऑर्गन होता है वो हो मतलब स्पाइटी ऑर्गन और जो लेबरिंथ ऑर्गन रहते हैं वह सुप्रा ब्रेंकियल चेंबर के साथ पाए जाते हैं और एक ऐसे शरीर स्पाइटी ऑर्गन के रूप में फॉर्म होते हैं। और इस प्रकार की जो चेंबर्स होती है वह एनाबस की बात की जाए तो यह गिल्स के ऊपर प्रत्येक साइड्स में पाए जाते हैं, साथ ही साथ और फेरिंग्स के साथ यह जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? किसी भी एक्सटर्नल या तो इंटरनल अपरकुलर चेंबर के द्वारा यह एक दूसरे से अपर्चर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं और एक्सेलेंट अपर्चर्स के द्वारा यह अपरकुलम के से साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखते हैं जो ट्राइकोगैस्टर फेसिटस होता है इसमें जो ऑर्गन जो लेबरिंथिन ऑर्गन होता है वो एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है एनाबस में जो कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिब्रेंकियल फर्स्ट गिल के साथ जो एपिब्रेंकियल आर्च पाए जा रहे हैं वो आउटग्रोथ के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक डायग्राम में दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। देन उसके बाद देखते हैं कि जो इस प्रकार की जो लिप लाइक जो एक्सपेंशन जो फॉर्म हुआ है या जो बाहरी आउटग्रोथ निकला हुआ है जिसको हम लोग एपिब्रैंक कह रहे हैं तो वो फॉर्म जो हुआ हुआ है रहता है वह एलूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कवर रहता है, साथ ही साथ वास्कुलर एपिथेलियम के द्वारा कवर रहता है और यह एक रेस्पिरेशन ऑर्गन के रूप में फंक्शन करता है। और यह पर क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पाई जाती है वह लेबरिंथी ऑर्गन और वास्कुलर और नॉन वास्कुलर जो एरियास रहते हैं उसके द्वारा कवर रहता है और यह एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के द्वारा का लाइनिंग होता है, साथ ही साथ यह एक आइसलेट जो लार्ज नंबर में यहाँ पर फॉर्म होते हैं वहाँ पर बहुत सारे कैपिलरीज के फॉर्म में पाए जाते हैं। देन हम देखते हैं कि जो आइसलेट रहते हैं वह एक प्रकार के सेकेंडरी लेमिनी या गिल फिलामेंट के फॉर्म करते हैं और अपना वर्क फंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में जो मॉडिफाइड हुआ था फेरिंजियल गिल स्लिट वह इस प्रकार से अपना वर्क करते हैं। अब आते हैं क्लेरियस बेट्रेकस के बारे में। यदि क्लेरियस बेट्रेकस की बात की जाए तो यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ इसमें मतलब एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसमें यह एयर ब्रीथिंग करने के साथ साथ वाटर ब्रीथिंग भी करते हैं। तो इसमें यदि एयर ब्रीथिंग की बात की जाए या एटमॉस्फेयर में एरियल रेस्पिरेशन की बात की जाए तो इसमें जो सुप्रा ब्रेंकियल कैविटी जो होते हैं वह कार्य करते हैं, साथ ही साथ इसमें जो एब्जॉर्बेंट ऑर्गन रहते हैं चाहे इसको हम डेंड्राइटिक ऑर्गन कहते हैं वो भी कार्य करते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में, साथ ही साथ फेंस कार्य करते हैं जिसको हम लोग गिल प्लेट कहते हैं, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी वर्क करते हैं। तो इसमें जो सुप्रा ब्रेंकियल चेंबर रहते हैं वो किसके मतलब गिल्स के ऊपर पाया जाता है, साथ ही साथ यह दो प्रकार के कप लाइक कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है जो कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड रहता है जो कि हाईली वास्कुलर होते हैं। तो इस प्रकार जो बेट्रेकस या क्लेरियस बेट्रेकस में जो ब्रीथर कार्य कर रहे हैं या तो जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कार्य कर रहे हैं वह इस प्रकार से सुप्रा ब्रेंकियल चेंबर में पाए जाते हैं के फॉर्म में पाए जाते हैं। और यह क्या होते हैं यहाँ पर जो डेंड्राइटिक या जो एब्जॉर्बेंट ऑर्गन पाया जाता है वो भी प्रत्येक साइड पे प्रेजेंट होता है और मतलब एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या होता है पहले ये जो ब्रेंकियल चेंबर रहते हैं वो पहले स्मॉल साइज में होते हैं है ना। देन उसके बाद यह यदि बात की जाए इंटीरियर कंपार्टमेंट में यह पाए जाते हैं लेकिन बाद में क्या होता है यह जो ब्रांच होता है जो छोटा ब्रांच होता है वो धीरे धीरे डेवलप हो करके एक ट्री लाइक ब्रांच में डेवलप हो जाता है और इंटीरियर कंपार्टमेंट में इस प्रकार से यह कार्टिलेजिनस स्केलेटॉन के रूप में कार्य करता है और एक प्रकार से फोल्ड का फॉर्म करता है जो कि रेस्पिरेशन के में हेल्प करते हैं और इस प्रकार से यह एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में यहाँ पर क्लेरियस बेट्रेकस में पाया जाता है। डायग्राम में जिस प्रकार दिखाया गया है गिल फेंस को गिल फिलामेंट को और गिल आर्च को ये इस प्रकार से इसमें रेस्पिरेशन या एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं।
अब देखते हैं हम एयर ब्लेडर्स के बारे में। जो एयर ब्लेडर्स होते हैं एक प्रकार के ऐसे सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हम लोग इसको गैस ब्लेडर या स्विम ब्लेडर भी कहते हैं। यह मेनली हाईली बोनी फिशेस में इसेंशियली रूप से हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं, उसके रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो लोअर बोनी फिशेस होती हैं उसमें यह जो एयर ब्लेडर होते हैं यह लंग्स के रूप में कार्य करते हैं, और यह एक ट्रूली एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हाईली वास्कुलर और सेकुलेटेड एल्वियोलाई पाई जाती है यहाँ पर। और यदि एमिया और लेपिडो इस्टियस की बात की जाए तो स्विम ब्लेडर क्या होते हैं, सेकुलेटेड होते हैं, साथ ही साथ यह एयर के एयर लंग्स के समान दिखाई देते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो एयर ब्लेडर है वह बॉडी के लेटरल लाइन के नीचे या बॉडी के बीच वाले पोर्शन में पाया जा रहा है। यदि हम पॉलीप्टेरस की बात करें तो जो स्विम ब्लेडर होते हैं ये बहुत ही मतलब लंग लाइक पाए जाते हैं या मोस्टली रूप से लंग के समान दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इसमें पल्मोनरी आर्टी जो होता है वह लास्ट पेयर ऑफ ब्रिंकियल आर्टी से डिराइव होता है या अराइज होता है। साथ ही साथ इसमें जो स्विम ब्लेडर होते हैं वह टेट्राप्लोट लंग के समान स्ट्रिंगली रूप से उसके रिजेंबल दिखाई देते हैं और यह उसके समान कार्य करते हैं। और यदि नियो केराटोडस की बात की जाए तो यह जो एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर होते हैं यह बाइलोब्ड पाए जाते हैं। और इसकी इनर सरफेस में जो क्या होता है, इनर सरफेस जो दिखाई देता है वो लंग लाइक होता है जो कि स्पॉन्जी एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स के द्वारा इंक्रीज हुआ रहता है या अधिक सरफेस में जो लंग्स लाइक दिखाई देते हैं। इस फिश में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वह जब एस्टिवेशन की पीरियड आती है तो उस दौरान यह रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं, अर्थात गैस को स्टोर करके रखते हैं। और यह गिल्स के समान ही कार्य करते हैं, और इस प्रकार यह जो होते हैं वह इस पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट टाइम से फंक्शन करते हैं। यदि फंक्शन की बात की जाए तो जो नेसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वह डिफरेंट टाइप से फंक्शन करते हैं। जैसे हमने बताया कि अभी एक तो रिजर्वायर के फॉर्म में फंक्शन करते हैं, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको बनाए रखने के लिए कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वह डेवलप होते हैं। कुछ पाइप नुमा ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कुछ एयर चैम्बर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फॉर्म का फंक्शन करते हैं। तो यदि फंक्शन की बात की जाए तो जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उसमें हाईली कॉन्सेंट्रेशन या हाईली परसेंटेज में एयर्स को रिसीव किया जाता है। और यह जो वाटर्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं और जो एरियल जो एनिमल्स पाए जाते हैं, या फिश की बात की जाए जो फिश रहते हैं उनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड रहती है उसको वह कंप्लीट करने में कैपेबल होते हैं, क्योंकि जो वाटर की जो ऑक्सीजन लेवल रहती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण उनमें जो ऑक्सीजन की डिमांड रहती है वो हाई रहती है, और उसी हाई डिमांड को कंप्लीट करने के लिए सर्विस पार्टी ऑर्गन अपनी भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ जो वाटर के सरफेस पे जो सर्विस पार्टी ऑर्गन्स पाए जाते हैं वह वाटर के सरफेस से इनहेल करने लगते हैं ऑक्सीजन को और सर्विस पार्टी ऑर्गन्स का फंक्शन करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो कुछ फिशेस में ऐसे होता है जब फिश किसी सरफेस एरियाज पे आ जाते हैं तो वहाँ पे एस्फाइक्सिजन की प्रोसेस होती है, एस्फाइसिया की प्रोसेस होती है, जिसमें जो ऑक्सीजन जो रहता है उसकी जो पहुँचने की क्षमता रहती है वो कम हो जाती है। तो उस दौरान जो एस्फाइसिया की प्रोसेस हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए वह हाईली रूप से वाटर को मतलब बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं ताकि जो श्वसन संबंधी जो डिसीज हो रही है वो उसको ना हो। और इस प्रकार से सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं अपने फीचर्स के द्वारा डिफरेंट टाइप से अडॉप्ट होते हैं। तो जो सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मेनली रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन का भी कार्य करते हैं, और बॉडी के जो डिसीज होते हैं या जिस डिसऑर्डर होते हैं उसको यह कंप्लीट करने का कार्य करते हैं।
तो इस प्रकार आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमने पिछली और अभी के स्लाइड में मिला करके हमने 10 एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, और उसके बारे में किस किस प्रकार से एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में हमने देखा। साथ ही साथ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वह रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्शन के भी कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स प्रोवाइड करें। धन्यवाद।